सेकंड अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ कमी रह गई थी? फर्स्ट में सर ना तो उतनी तैयारी थी और इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी, किस एरिया पे पहले फोकस करना शुरू करें टॉपिक वाइज अगर बात करें तो? सर वैसा नहीं बताते, कुछ लोग रूल्स रटवाते हैं, मेरा मानना ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा क्या एक्स्ट्रा चीजें और करनी चाहिए मतलब इंग्लिश के लिए, जो समय क्लास में भी बहुत सारी बातें बोलता हूँ लेकिन आपने क्या किया? So, अंतिम जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने SBI PO मेंस भी क्लियर किया, अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से पहले अटेम्प्ट में PO मेंस क्लियर करना भी बड़ी बात है राइट, और इंग्लिश का रोल अच्छा खासा है SBI PO मेंस में। IBPS PO मेंस आपने क्लियर किया, वो कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कहां कमी रह गई थी? फर्स्ट में सर ना तो उतनी तैयारी थी और रीजनिंग में कुछ मेरे अच्छे अटेम्प्ट्स नहीं थे, इंग्लिश में तो मेरा स्कोर तब भी ठीक था। ओके, आपको याद है कितना स्कोर आया था? 24 था मेरा, 24 था। कट ऑफ कितना आया था? कट ऑफ कुछ 10-12 ही रहता है, इंग्लिश का तो कम ही था। मतलब कट ऑफ से इतना ऊपर नंबर आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको तरीके से पढ़ना है तो। अब उसी तरीके की बात कर लेते हैं कि जैसे जो बच्चा प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहा है, इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी, किस एरिया पे पहले फोकस करना शुरू करे टॉपिक वाइज अगर बात करें तो? पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे आपके, देखो ग्रामर भी जरूरी है, वो कैब भी जरूरी है और RC भी जरूरी है, तो तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। और सर आपके बैचेस से हमने सीखा है कि ये सब कनेक्टेड है, कि आप किसी को छोड़ नहीं सकते। उसी एक क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में आप वो कैब भी उठा के समझा देते हो वहीं पे, और वो सेंटेंस को तोड़ के बताना कि फ्रेज क्लोज सब अलग अलग, सब ऐसा नहीं बताते, कुछ लोग रूल्स रटवाते हैं, मेरा मानना ये नहीं है कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हम लॉजिकल कर सकें, हाँ लॉजिकल ग्रामर हो या वोकैब हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, और ये फंडामेंटल डिफरेंस भी है मतलब जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो जितना आप लॉजिकल होगे क्वेश्चन को करने में उतनी मदद आपको मिलेगी। हाँ और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि RC से आपको सीधा जो RC में लिखा हुआ है वो का वो आंसर उठा के दे देंगे ऑप्शन में, नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा और फिर दो आंसर एक जैसे होंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है। वो जो फार्मूला मैंने सिखाया था वो काम करता है, क्या था फार्मूला याद है? बून। हाँ बून फार्मूला था RC के लिए। RC के लिए ओके, तो वोकैब की मतलब जर्नी कैसी रही, कैसा ट्रांजिशन रहा, वोकैब को क्या परसेप्शन था, फिर क्लासेस के बाद चीजें कैसे बदली? सर वोकैब में लगता था इतने सारे वर्ड्स हैं कैसे याद होंगे, पर जब रूट वर्ड से किया तब ऐसे नहीं कि सिनोनिम रट लिए कुछ, या फिर कुछ ऐसा इकट्ठा हुआ नहीं था, कुछ भी बोरिंग नहीं रहा, कुछ भी सब इंटरेस्टिंग था कि हमने एक वर्ड पकड़ा और बाद में भी हम जैसे किसी वर्ड को देखते हैं तो हमें वही सब ध्यान आता है कि इसमें रूट वर्ड क्या है, दिमाग के तार जोड़ना शुरू कर देते हैं, वो दौड़ना शुरू करता है कि कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। अब सारे वर्ड्स तो नहीं हो सकता कि भाई हम पहले से पढ़ के जाएं, कुछ नए वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी काम आती है कि रूट वर्ड ढूंढो, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हमें। बिल्कुल, तो बहुत हेल्पफुल रहा है वो सब। और रही एग्जाम को अटेम्प्ट करने की बात, तो उसमें हमें देखो पहले तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी रही है कि पहले हम ग्रामर कर लेंगे, ठीक है, कि एरर्स हैं पहले ये निकाल लिए, फिलर्स हैं उनको कर लिया पहले, उसके बाद हम आप ग्रामर से शुरू करते थे? हाँ मैं ग्रामर से शुरू करती थी, उसके बाद RC कर लिया, RC को अटेम्प्ट किया अच्छे से, उसको पढ़ के आंसर देने। तो ये कैसे सेलेक्ट करते, जैसे मेंस में पैसेजेस ज्यादा आते हैं तो सिलेक्शन ऑफ डूएबल पैसेज ये करते थे पहले स्कैन? हाँ ये करना पड़ता है, कुछ RC में ऐसा होता था कि वहाँ पे सिर्फ आपको सिनोनिम एंटोनिम ही पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वो इजी उसको RC माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हो वहाँ पे कम टाइम इन्वेस्ट करके, और उसके बाद वो प्रेशर नहीं रहता कि इतने कम अटेम्प्ट हुए हैं, वो हम लेके चलते हैं, स्ट्रेटजी है वो भी एक। और उसके बाद पैरा जंबल को मैं लास्ट में करती थी सबसे, क्योंकि फिर वो प्रेशर नहीं बसता दिमाग पे, सब हो चुका अब इसको आराम से करेंगे, और शुरू में डर लगता था उससे, उसके बाद तो वो स्ट्रेंथ थी कि पैरा जंबल तो खरीद, पैरा जंबल तो गलत नहीं होते, नहीं वो गलत नहीं होते कभी, अब बहुत टेक्निकल तरीके से करते हैं, कि हमें पेयर ढूंढने हैं, इसमें पेयर कौन सा पेयर है और शुरुआत किससे करनी है, एंड किससे करना है, फिर पची क्या गया, फिर तो सब इजी लगता है। अनु भी वही करती कि सर आज तक कभी गलत नहीं हुआ, पैरा जंबल कभी गलत नहीं करते कभी। और फिलर्स और क्लोज टेस्ट, फिलर्स और क्लोज टेस्ट में सर बिकॉज़ ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल भी टेस्ट होती है और वोकैब स्किल भी टेस्ट होती है। अगर याद होगा तो मैं जब चैप्टर शुरू करता हूँ तो पहले यही दोनों बनाता हूँ कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो क्या टेस्ट कर रहा है। हाँ वो देखना पड़ता है हमें, कई बार ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिनका मीनिंग भी सेम होता है पर हमें समझना पड़ता है कि जरूरत किसकी है, बिल्कुल फिर वही उठाया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही होगा, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए कि न्यूट्रल चाहिए। हाँ वर्ड को देखते ही वो होता है ना कि बता सकते हैं कि इसने किससे पढ़ा है, वो वर्ड को देखते ही समझ आता है, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर देखते हैं रूट वर्ड क्या है इसमें, तो वो फिर आपका पढ़ाया हुआ
हम बता सकते हैं, मतलब लैंग्वेज का साइंस समझ आ गया। हाँ, एक साल समझ आ गया सर। तो भाई देखो चीजें बहुत आसान है। अंतिम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक टेक्निकलिटी की वजह से इनको चांस नहीं मिला, और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि अगली बार हम मिलेंगे तो एसबीआई पीओ क्लियर होगा, और ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जो इनपुट दिया है अंतिम ने वो आप भी इनकॉर्पोरेट करोगे, और अगर इन चीज़ों को करोगे। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें और करनी चाहिए, मतलब इंग्लिश के लिए? जैसे मैं क्लास में भी बहुत सारी बातें बोलता हूँ, लेकिन आपने क्या किया पढ़ाई के अलावा, मतलब चाहे वो रीडिंग को लेकर के, सुनने पढ़ने? हाँ, रीडिंग को लेके देखो, एडिटोरियल्स तो आपको पढ़ने ही हैं। आपने बुक्स भी सजेस्ट किए हैं मुझे, इंटरव्यू के टाइम पे भी सर ने सजेस्ट किया था कि कुछ वीडियो पीडीएफ भी शेयर की थी। हाँ, मैंने 24 बुक्स की पीडीएफ शेयर करी थी अपने बैंकिंग स्टूडेंट्स के साथ, डे टू डे इकोनॉमिक्स और कुछ रिच डैड पुअर डैड करके बहुत सारी। आपको बुक्स पढ़ने एक बार अच्छा लगेगा, शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि जैसे हम हिंदी की स्टोरीज पढ़ना एंजॉय करते हैं, वैसे हम इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ना भी एंजॉय करेंगे, बिल्कुल उससे कनेक्ट करना सीखेंगे। और भाषा का यही होता है कि हम कनेक्ट कर पाए जितना उतना ही मजा आएगा। चलो बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट अंतिम, और पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आप एसबीआई पीओ भी क्लियर करके बैठोगे यहाँ पे। चलो, थैंक यू।